हिंदू धर्म के कुछ कॉन्सेप्ट जो लगभग आपके मन में हमेशा के लिए सवाल होते होंगे, जैसे हम कभी भी ईश्वर की बात करते हैं या हम अपने पाप पुण्यों की बात करते हैं तो हमको ये पता चलता है कि हम ऊपर जाएंगे तो हमको जवाब देना होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र वैद्य अभिषेक कुमार वत्स और आप देख रहे हैं अपना विश्वसनीय चैनल अग्निवेश वैदिक संस्कार सेवा समिति। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम ये चर्चा करेंगे और देखेंगे कि भारत के जो हमारे पूर्वज रहे हैं उनका ऊपर से क्या लेना देना है। हम ये जानने का भी प्रयास करेंगे कि हमारे जितने भी भगवान हुए वे लगभग उत्तर प्रदेश बिहार इधर के ही क्षेत्रों में पैदा हुए, या हमको जिनका जब भी हम जन्म के बारे में प्रयास करते हैं जानने के लिए तो लगभग जितने महान या फेमस पूजनीय लोग हुए वे सब अयोध्या मथुरा या फिर मध्य प्रदेश के आसपास ही उनका जन्म हुआ है। और ऋषियों की भी यदि हम चर्चा करते हैं तो उससे हिमालय का बहुत लेना देना रहा है। तो आज इस वीडियो में हम ये जानने का प्रयास करेंगे और हम ये भी जानेंगे कि हमारे जो क्षत्रिय, जो कूर्म क्षत्रिय, वैदिक क्षत्रिय हैं या राजपूत क्षत्रिय हैं या जो भी खटिक क्षत्रिय हैं या क्षत्रिय वर्ण के जो लोग हैं वो अक्सर भारत की वंशावली को खंगालने की प्रयास अवश्य करते हैं ताकि वो जान सके कि वास्तव में उनका इतिहास क्या रहा है। और ये सवाल आपके भी मन में आता होगा कि हमारी वंशावली क्या है, हम भारतीयों की एक वंशावली क्या है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने पिछले वीडियो में जरूर देखा होगा कि मैंने वैदिक क्षत्रियों के इतिहास को एक्सप्लेन करने के लिए शुरुआत राजा मनु से की थी। राजा मनु जिनका नाम सत्यव्रत है, शास्त्रों में आप ढूंढ सकते हैं, सत्यव्रत का नाम आएगा। और ये पुत्र थे विवस्वान के, और यदि आप विवस्वान के भी पिता का नाम जानना चाहें तो उसका नाम ऋषि कश्यप था, यानी कि जो हमारी वंशावली है वो ऋषि कश्यप, फिर विवस्वान और फिर सत्यव्रत, यानी कि जो राजा मनु, और मनु शत्रुपा से पूरी सृष्टि की उत्पत्ति बताई गई। तो आइए हम समझते हैं कि किस प्रकार मनु शत्रुपा से आगे हमारा कूर्म क्षत्रिय वर्ण जो है बढ़ता चला गया। तो इसको समझने के लिए आपको कुछ कॉन्सेप्ट इस तरह समझना पड़ेगा। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि महाराजा मनु के पास एक मछली आती है और वो कहती है कि आप मुझे जल प्रलय तक अपने घर में साथ रखें। अब इस कहानी को मैं आगे यहाँ नहीं बताऊंगा, अगर आप इस वीडियो को देखना चाहते हैं तो वीडियो में जाकर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल रहा होगा, उसको क्लिक करके आप देख सकते हैं या आप मेरे चैनल पे स्क्रॉल करके वो वीडियो ढूंढ कर देख लें। तो फिर क्या हुआ कि वो मछली, जब मैंने वो कहानी बताई थी कि जल प्रलय हो गया और राजा मनु अपने पूरा साजो सामान, यानी कि जैसा कि मछली ने कहा था कि आप हर प्रकार की जीवों की एक जोड़ी अपने नाव पे जरूर रख लीजिएगा, जैसे मक्खी मधुमक्खी सांप बिल्ली कुत्ता गाय भैंस बकरी, सभी प्रकार के जीवों के एक एक जोड़े को लेकर महाराजा मनु नाव लेकर उस प्रलय में निकलते हैं। तभी वो मछली आकर उनको मिलती है और वो कहती है कि मैं आपको सुरक्षित स्थान पर ले जा सकती हूँ, आप एक रस्सी से इस नाव को मेरी पूंछ में बांध दीजिए और मैं आपको सुरक्षित स्थान पर लेके जाते हैं। अब कहानी को आगे बढ़ते हैं। फिर वहां से वो मछली उस नौका को खींचते 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 सबसे ऊपर की तरफ लेकर गई, और यही ऊपर, ये जो ऊपर की तरफ लेकर गई, यही ऊपर शब्द हमारे दिमाग में बार बार और हमारे शास्त्रों में बार बार, या हमारे जो कथावाचक है उसको बार बार इस्तेमाल करते हैं कि जब आप ऊपर जाएंगे। तो ऊपर खींचकर लेकर गई, और ऊपर खींचकर जब लेकर गई तो वहां पर राजा मनु ने डेरा डाला, धीरे धीरे पानी कम होने लगा और फिर जो भी वो जोड़ा लेके गए थे, मधुमक्खियों का, बिल्ली का, गाय का, कुत्ते का, भैंस का, बैक्टीरिया वायरस, सब वहीं अपना घर बनाकर डेवलपमेंट करना शुरू कर दिए, सभी ने अपना संतान उत्पन्न करना शुरू कर दिया। तो अगर आप देखें तो जितने भी भगवान शब्द का इस्तेमाल होगा वो सारे लोग वहीं हिमालय क्षेत्र से ही आपको मिलेंगे। अब अगर देखें तो आप अयोध्या को सर्वप्रथम इक्ष्वाकु राजा ने बसाया था, इतिहास में आप उसको देख सकते हैं। जो लोग यहां पर आकर मुझे इतिहास पढ़ाने का प्रयास करते हैं वो इस वीडियो को जरूर देखते रहे और समझें, इक्ष्वाकु राजा ने, जो महाराजा मनु के पुत्र थे, उन्होंने सर्वप्रथम अयोध्या की स्थापना की और वहीं से फिर अब आगे अयोध्या के वंश का कुल बढ़ेगा। तो अब आप यहां से समझ रहे होंगे कि महाराजा मनु, विवस्वान और उससे पूर्व कश्यप की ही वंशावली हमें आगे पढ़ने को मिलेगी, जो रघुकुल वंश कहलाएगा, और उसी में फिर लौ के पुत्र, कुश के पुत्र, इन सभी की चर्चा मैं आगे वीडियो में लेकर आऊंगा, क्योंकि इन सभी का डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको रघुवंशम काव्य में मिलेगा। क्योंकि जब हम राजा राम तक पहुंचेंगे
और उसके आगे रघुकुल के जितने भी नए युवराज हुए थे उन सब की वंशावली आप जब इस वीडियो को कायदे से समझेंगे, इस श्रृंखला में बने रहिएगा, आपको आगे बहुत ही अच्छे वीडियोस मिलेंगे। और आशा करता हूँ आप सबको चैनल पे मजा आ रहा होगा, और आपसे एक आग्रह करूंगा कि यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इस तरह के कंटेंट मैं इस चैनल पर लाता रहता हूँ। इसी के साथ मैं आपका मित्र भाई अभिषेक कुमार आज आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए सभी को राम राम, जय हिंद।